हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, अस्तुना देवी बालिका इंटर कॉलेज सिसोटर बलिया। आज की इस क्लास में आप लोग को श्वसन के विषय में जानकारी दी जा रही है। श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भोज्य पदार्थ, यहाँ पे देखते हैं कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन की उपस्थिति में एंजाइमी अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उन अभिक्रियाओं को होने के लिए 25 से 45 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। इसके उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की हमें क्या होती है, प्राप्ति होती है। जंतुओं व मनुष्यों में श्वसन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। आप लोग देखेंगे कि नासिका पाई जाती है, लेकिन पौधों में, पादपों में श्वसन रंध्रों यानी कि स्टोमेटा द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु प्रवेश करती है। पौधों में रंध्रों के द्वारा यानी कि स्टोमेटा के द्वारा जो वायु प्रवेश करती है, जो पादप के सभी भागों में पहुंचकर भोजन के ऑक्सीकरण अर्थात कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रिस्पिरेशन में भाग लेती है। यानी कि जब पादप में ऑक्सीजन जो है रंध्र के द्वारा पहुंचता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन। श्वसन के प्रकार, श्वसन के दो प्रकार होते हैं। पहला वायवीय या ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पिरेशन, अवायवीय या अनाक्सी श्वसन, एन एरोबिक रिस्पिरेशन। अब यहां पर हम लोग वायवीय या ऑक्सी श्वसन के विषय में, एरोबिक रिस्पिरेशन के विषय में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। ऑक्सी श्वसन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। यानी कि जो ऑक्सी श्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह होता है। ऑक्सीजन भोजन यानी ग्लूकोज अणु, जब हम भोजन करते हैं उससे हमको ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज अणु को पूर्णतः ऑक्सीकृत करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O में परिवर्तित कर देती है। भोजन टूट जाता है कार्बन और ऑक्सीजन में, ग्लूकोज। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में शुरू होती है। तो जो ऑक्सी श्वसन होता है यह कोशिका द्रव्य में होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में विखंडित हो जाते हैं। आप लोगों को पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे। अब जो है यहां पर हम लोग देखेंगे कि C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट, 6O2 यानी ऑक्सीजन, और एंजाइम की उपस्थिति में एंजाइमी अभिक्रियाएं होंगी। इसके अंतर्गत 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 6CO2 और 6H2O यानी कि जल, यानी कि जो ये ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन और हाइड्रोजन में जो है यानी जल में जो है टूट जा रहा है। यहाँ पे कार्बन में विखंडित कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और जल के रूप में क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है।
इसके द्वारा हमें 38 एटीपी या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग ऑक्सी श्वसन। अगले क्लास में आप लोगों को अवायवी या अनाक्सी श्वसन के विषय में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।